अस्सलाम वालेकुम, यहीं से शुरू करते हैं भाई हम दूसरा व्लॉग, क्योंकि भाई सीन ऐसा है कि मुझे अभी याद आया कि भाई आसान भाई की तो आज बर्थडे स्टार्ट होने वाली है। तो यार अजमल भाई जल्दी आओ। अच्छा 23 अगस्त को तो एहसान भाई की बर्थडे, तो आज 11 मतलब के 12 बजे के बाद एहसान भाई की बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई सीन ऐसा है कि लेके आना है केक, सरप्राइज देना है एहसान को। चले कौन सी जगह पे? ये सामने वहीं से लेके आते, करीब से, ज्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, तो भाई आज हमने देना है एहसान भाई को एक छोटा मोटा सरप्राइज, वो भी घर पे देंगे, क्योंकि यार यहाँ नहीं देना, घर पे ही देंगे सरप्राइज। और शायद क्या आपके भाई ने खर्चा किया हुआ है लेकिन उसको नहीं बताया हमने, वो ब्लॉग में मैं नहीं लेके आया। समझ गया। का जो वो था डेकोरेशन, वो पहले ही घर पे अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि चले भाभी को मैंने कहा कि भाई ये आप डेकोरेट करें, एहसान भाई कहीं काम से गया हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं केक ले आता हूँ, आप ये डेकोरेशन कर लें जब तक। तो अब अजमल भाई को मैंने बोल दिया, अजमल भाई निकले, चलो बाइक यहीं खड़ी हुई है, ये रही मेरी। तो बस अब हम चलते हैं सीधा बेकरी पर, बेकरी से उठाते हैं केक, फिर देंगे आज एहसान भाई को सरप्राइज अच्छा वाला। A few minutes later. तो भाई हम पहुंच चुके हैं कराची स्वीट्स पे, चलें अजमल भाई आ जाओ, इसको मैंने ऑर्डर दिया था पहले ही, तो अब देखते हैं कि भाई ऑर्डर रेडी या नहीं। आज मैंने बनवाया यूनिक सा केक, अलग से केक, जैसे एहसान भाई हमारे लिए, अजमल ऐसा केक बनाया ना जैसे एहसान भाई बच्चा नहीं होता, बच्चों के लिए जो बनाते हैं कार्टून वाला, अभी समझा तू। तो ऑर्डर हमने दिए मतलब अच्छा केक है। सर जी आपको कैसे लगते हैं केक कैसे होगा? मतलब देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैंने जो उसको बताया था, लेकिन अच्छा था, लेकिन वो है कार्टून वाला। अच्छा अब आपको बताते हैं कि हमने कैसे केक बनवाया उसके लिए। पहले केक तो दिखा देंगे ना, पर्ची नहीं, पहले केक दिखाते हैं उसके बाद ही। यार केक दिखा दो, कराची स्वीट्स। ओके यानी हमारा ऑर्डर दिखा दो। आए है दिखाएं तो सही ना पहले यार। तो कैसा लगा भाई, कमेंट्स में लाजमी बताना आपको। ये केक अभी हमने ऑर्डर कर दी, ऑर्डर पहले कर दिया था और अब ये रेडी हो चुका है, और ये देखें मेरे हाथ पे पहले ही लग चुका है। तो भाई ये अगर ज्यादा से ज्यादा इससे पहले और ज्यादा लगे तो भाई इसको कर दो आप पैक, मैं पेमेंट कर देता हूँ इसकी, आप पैक कर दो। क्या सोच रहे हो? अजमल को आ रही है नींद, कैमरा भी साथ साथ घुमा रहा है। थैंक यू, आ जाओ अजमल, केक को दिखाऊं। इधर आ जाओ, इधर पैक कर दो इसको भाई। सही से पैक करना कि बाइक को खराब नहीं हो जाए ना। तो भाई कमेंट्स में आपने लाजमी बताने के केक कैसे लगा, मैंने कहा कुछ अलग सा हो जाए ना, यूनिक सा। अच्छा हमको सिखा रिया है। चले अजमल भाई। A few minutes later. तो हाँ जी सीन ऐसा था कि भाई केक मैं ले आया, उसके बाद मैं लग गया था भाभी के साथ डेकोरेशन में, क्योंकि भाई आज जो हमने सीन बनाया वो है फैमिली के बर्थडे का सीन, तो मैं उस चक्कर में लग गया था। ऊपर फैमिली के साथ हमने मतलब डेकोरेशन की, तो अब एहसान भाई ऊपर रूम में, मैंने उन्हें फ़ोन किया तो मैं चला गया था घर पर, मैंने कहा चलें थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। तो अब एहसान भाई ऊपर रूम में, तो आपसे मिलते हैं, अब एहसान भाई को विश भी तो करनी है ना यार, और अब चलते हैं सीधा ऊपर, एहसान भाई से मिलते हैं, उससे विश करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे, क्या हाल है, ठीक हो, कैसा लगा हमारा सरप्राइज आपको? मजेदार। हैप्पी बर्थडे अगेन, जियो हजारों साल हमारे साथ, वो भी अपने खर्चे पे, YouTube के खर्चे पे। बहुत सुना, मस्त है। तो भाई सीन ऐसा था कि आज मैं चला गया था, दूसरा आपको बताना भूल गया, स्पेशली क्योंकि भाई आपका भी सपोर्ट है, आप भी साथ थे मेरे,
आज हो गया था चैनल रात को मिनिटाइज हमारा वाला। खैर मुबारक, उसका भी खैर मुबारक। तो सीन ऐसे था बेटो, हमारा हो गया था चैनल मिनिटाइज रात को, मेरे पास मैसेज आया 4 बजे। अच्छा हाँ, तो उस चक्कर में फिर मैंने व्लॉग बनाया मिनिटाइज का। तो फिर मुझे को याद है यार, आज तो एहसान भाई की बर्थडे है, क्योंकि आज 23 अगस्त है। तो फिर मैंने बार से सिस्टम बनाया मैंने सारा। और मैंने कहा चले एहसान भाई को एक छोटा सा सरप्राइज दे देते। तो आपको अगेन हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और जियो अपने खर्चे के साथ, हम पे भी थोड़ा थोड़ा खर्चा कर लिए करो यार। तो चलें अब चलते हैं बाहर, क्योंकि सीन ऐसे है मैं बाहर के शॉर्ट्स नहीं ले सकता। दरअसल सीन ऐसे है कि भाई आज इस बार बर्थडे हमने फैमिली के उस पे की, मतलब फैमिली मेरे साथ है। तो बस मेरे को विश करना था एहसान भाई को, वहाँ थोड़े छोटे छोटे क्लिप ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे व्लॉग में। सही है एहसान भाई? मजेदार, क्योंकि भाई हमने सेलिब्रेशन करनी है फैमिली के साथ, तो समझदार समझ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। 3 hours later। हाँ कौनसे? अभी आया मैच से। हाँ बस थोड़ी देर हो गई। टाइम क्या हो रही है बता घड़ी में? टाइम हो रहे 4:27। ये देख रहे हैं आप, इधर करो घड़ी, 4:26 हो रहे हैं और इस टाइम हम बाहर घूम रहे हैं। क्या बात है, स्पेशली असल में मैं कराची वाले, हम रात में घूम रहे होते हैं और दिन में सो रहे होते हैं। 6 बजे तो मेरी होती है सुबह। और दूसरे एहसान भाई का केक लाया, वो शॉर्ट्स तो मैंने डाले, उससे पहले मैं सेलिब्रेशन का सामान लेके आया था लेकिन वो शॉर्ट्स मैंने नहीं डाले। बस मैंने कहा चलें एक छोटा मोटा सा एक ब्लॉग बना दूँगा, लेकिन एहसान भाई की बर्थडे थी, मैंने कहा तो भाई एक छोटा सा व्लॉग तो होना चाहिए एहसान भाई के लिए। तो नेमत भाई आप थे नहीं बर्थडे में, एहसान भाई की बर्थडे है तो आप यहीं से विश करें उसे। यार बर्थडे तो विश कर दिया था मैंने, मैं गया था मैच में। अच्छा तो चलें तो हाँ मैंने विश किया, थैंक यू आया उसका। नहीं तो यहाँ भी विश करो ना यार व्लॉग में। यार एहसान भाई मैं बड़े माजरत के साथ गया था मैच पे, अभी आया हूँ, और आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके ज़िंदगी में ऐसे और लाखों तो खैर पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, 100 आज आमीन आमीन ऐसे दिन आमीन। तो बस ये थी हमारी चंपकुल लाला की विश एहसान भाई आपके लिए, और मेरी तरफ से दोबारा से आपको हैप्पी वाला बर्थडे, और अल्लाह आपको लंबी 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 ज़िंदगी दे, और अल्लाह हमारे साथ हमेशा आपको इसी तरह खुश और हैप्पी हैप्पी रखे, और अपने खर्चे पे रखे, हमें अपने खर्चे पे रखे, और गुंचा गुल लाला को अपने खर्चे पे रखे। तो बस ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।